वेलकम स्टूडेंट्स। सो हम नीट के लिए कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डेली हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। तो अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं। आज जो मैं टॉपिक ले हम जो टॉपिक करेंगे आज वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल स्पीशीज है, आपको पता है, एंड इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी ने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जितने भी आपके कॉन्टेक्ट हैं, जितने आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, आपके रिलेटिव स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इन क्वेश्चंस का फायदा उनको भी मिले और चैनल भी ग्रो करे, ताकि हम और एनर्जी से काम कर पाए। तो अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियल स्पीशीज है, और माइकोप्लाज्मा के अंदर स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी है स्पेशल, वो आपको बता रहा हूं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, या स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल स्पीशीज में से आती है। इसका लगभग नियर अबाउट 300 नैनोमीटर इसका जो डायमीटर होता है, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसके में सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल की एब्सेंस के कारण इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। ये बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, एंटीबायोटिक का असर नहीं करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो, और कुछ के लिए सेंसिटिव भी हो जाती है। अब सेंसिटिव और प्रो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक वाइड टॉपिक है, जब हम टॉपिक वाइज जब इसको स्टडी करेंगे, अभी आफ्टर इस नीट के एग्जाम के बाद हम क्लासेस नीट की टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, तब आपको उसमें देखेंगे बताएंगे। बाकी कोई छोटी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो उसके अलावा माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन भी जरूरी नहीं होती माइकोप्लाज्मा के लिए, विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव करती है, ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ये पैरासाइटिक होती है, सेप्रोफाइटिक होती है। पैरासाइटिक स्ट्रेट्स आपको पता है, पैरासाइटिक का मीनिंग होता है जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा है, पर दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है, लिविंग से ले रहा है उसकी बॉडी के ऊपर रह के या अंदर रह के। सेप्रोफाइटिक क्या है, जो डेड और डीके मैटर पे खाता है। तो ये दोनों टाइप की स्पीशीज इसके अंदर मिलती है। ह्यूमन के अंदर ये निमोनिया डिजीज काज करती है। जेनिटेलियम इसकी एक स्पीशीज होती है जो कुछ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज हमारे अंदर कॉज करती है। तो ये डिजीज कॉजिंग भी है, पैथोजन भी है एक टाइप का, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो हम देखते हैं कि आंसर आएगा इनका, कैसे कैसे करते हैं इनको। फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेंट टू, माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंस है। तो अभी आपको बताया किसके रेजिस्टेंस है, पेनिसिलियम के। इसका आंसर क्या आएगा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम की ये रेजिस्टेंस है। दूसरा, माइकोप्लाज्मा जनरली रिप्रोड्यूस थ्रू। अब आपने क्या करना है, माइकोप्लाज्मा का टॉपिक पढ़ना है। माइकोप्लाज्मा जनरली क्या करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है। आप देखना वहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वहां पे फ्रेगमेंटेशन भी लिखा हुआ, तो आपने जाके एक बार इसको देखना है। वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको। उसके बाद माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम वायरस इन बीइंग सेंसिटिव टू, माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम वायरस इन बीइंग सेंसिटिव टू। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक है, मैंने बताया था ये रेजिस्टेंस भी है, सेंसिटिव है। तो एंटीबायोटिक यहाँ पे क्या, अमीनो एसिड नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, शुगर नहीं होता, टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्या है इसकी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, लिटिल लीफ ब्रिंजल के अंदर जो लिटिल लीफ डिजीज होता है उससे क्या होगा, माइकोप्लाज्मा से होता है। किससे होता है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कास्ट बाय माइकोप्लाज्मा। तो अभी फर्स्ट आपको यहां पे दिया हुआ है लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल, ये तो अभी हमने देखा है। दूसरा स्टबोर्न होता है, ये भी माइकोप्लाज्मा से होता है। सिटर कैंकर जो होता है, ये होता तो बैक्टीरिया से ही है, डिजीज तो बैक्टीरिया से ही होता है। ये एक बैक्टीरिया होती है जेंथ्रोमोनास, जेंथ्रोमोनास बैक्टीरिया एक होती है, उससे ये होता है। जेंथ्रोमोनास एक्जोनोपोडिस का नाम होता है, जेंथ्रोमोनास एक्जोनोपोडिस, ये एक बैक्टीरिया होता है, उससे ही होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, तो ये फाइव क्वेश्चन है। फर्स्ट
माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस होता है, पेनिसिलिन जो होता है माइकोप्लाज्मा जनरली रिप्रोड्यूस करता है वेस्टेडी मेथड जनरली, ठीक है, जैसे तो बैक्टीरिया आपको पता सेक्सुअल भी करता है। माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम वायरस इन बीइंग सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन लिटिल लीफ, ये माइकोप्लाज्मा से ही होगा टॉपिक अपना, माइकोप्लाज्मा मेन चल रहा है यहाँ पे। ये चौथा प्रोइंग जो आप ये भी देख रहे हैं फंगस वायरस साइड से नहीं होता। लिटिल लीफ ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द, ये जो डिजीज है सॉरी इनमें से, तो इसमें जो सिफिलिस कैंसर है ये डिजीज माइकोप्लाज्मा से नहीं होता। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना है और साथ के साथ इनको पढ़ते रहना है, माइकोप्लाज्मा का टॉपिक भी आपने पढ़ना है। तो अब मैं कुछ मैं वर्कशीट लेके आया हूँ, इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच माइकोप्लाज्मा कॉज स्टेरिलिटी इन द ह्यूमन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच माइकोप्लाज्मा कॉज स्टेरिलिटी इन ह्यूमन। फर्स्ट है इसका माइकोप्लाज्मा निमोनिया, बी इसमें लिखा हुआ है एम होमिनिस, सी दिया हुआ है स्पायरोप्लाज्मा एंड डी दिया हुआ है अपने पास थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स स्टेराइल क्या होता है, स्टेराइल बना देना, स्टेराइल कैसे होता है ह्यूमन के अंदर, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि निमोनिया करता है, ये सेकंड वाला जो आंसर है इसका आएगा, आप इसको नोट कर लेना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेरिलिटी काज ह्यूमन के अंदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम, नेक्स्ट इज माइक्रोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम एल फॉर्म इन, ए इसका है साइज ऑफ, साइज ऑफ डिनोफेयर, बी है ग्रोथ, सी है कल्चर मेथड, डी है और, ठीक है। एल फॉर्म से डिफर कैसे, इनमें से कैसे होता है, तो साइज ऑफ जीनोफेयर, ग्रोथ और कल्चर मेथड, ये सभी में ही डिफर होता है एल फॉर्म से, सभी से ही अलग मिलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, इन एस्टर येलो डिजीज, इन एस्टर येलो डिजीज विच टिश्यू इन्फेक्टेड बाय माइकोप्लाज्मा, एस्टर येलो डिजीज होता है उसके अंदर इनमें से कौन सा टिश्यू इन्फेक्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूं, माइकोप्लाज्मा जो होते एस्टर येलो डिजीज में माइकोप्लाज्मा जो सीव ट्यूब्स होते हैं प्लांट के अंदर उसको इन्फेक्ट करते हैं, किसको, सीव ट्यूब को, इसको नोट कर लेगा, किसको इन्फेक्ट करते हैं, सीव ट्यूब को इन्फेक्ट करते हैं, सीव ट्यूब को ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट के अंदर, जो सीव ट्यूब में टिश्यू होता है उसको ये इन्फेक्ट करते हैं, सीव ट्यूब एक टिश्यू ही आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम वायरस इन बीइंग सेंसिटिव टू, माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम वायरस इन बीइंग सेंसिटिव टू, माइकोप्लाज्मा वायरस से किस फॉर्म से डिफर होते हैं, किस प्रकार से डिफर होते हैं, अलग किस प्रकार से ये हो सकते हैं।
इसमें जो आंसर जो कुछ ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है इट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल, सेकंड इसमें दिया हुआ है इट इज नॉट ऑलवेज पैरासाइट, थर्ड दिया हुआ है इट कैन बी ग्रोन ऑन ए सेल्फ मीडियम एंड फोर्थ दिया हुआ है नन, थर्ड तो दिया हुआ है इसमें इट कैन बी ग्रोन ऑन ए सेल्फ फ्री मीडियम। देखो वायरस है, बिना सेल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, बिना सेल वायरस से ग्रो नहीं करेगा, ये बिना सेल भी ग्रो कर सकता है। तो इट कैन बी ग्रोन, इट कैन बी ग्रोन ऑन ए सेल्फ फ्री मीडियम में ग्रो कर सकता है, सेल नहीं है वहां पे लिए ग्रो, माइक्रोप्लाज्मा कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने वायरस के बारे में पढ़ा हुआ है, वायरस में क्या होता है, वायरस की प्रॉपर्टी होती है, वायरस बाहर है, सेल से बाहर है तो नॉन लिविंग है, सेल में है तो लिविंग है, उसकी प्रॉपर्टी थी उस सेल को, वो उसके सेल के डीएनए को कंट्रोल करता है। आज के टाइम में तो वायरस सबसे ज्यादा जानते हैं ना वायरस के बारे में, कोरोना के बारे में, एक लेक्चर कोरोना के लिए भी जल्दी बनाएंगे, ठीक है। कोरोना किस प्रकार से, इस प्रकार के इसके स्ट्रैंड है लोगों में जो अलग अलग अफवाह है, कोरोना ये है कोरोना वो, उस पर भी हम बनाएंगे लेक्चर। तो नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट सेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इज द स्मॉलेस्ट सेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स लेक्चर के शुरू होने में बताया था सेल वो नहीं होती और सबसे और सेल बैक्टीरियल सेल होती है एक, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, रिजिड सेल वॉल जो होती है और सबसे छोटी होती है। तो स्मॉलेस्ट क्या होती है, माइकोप्लाज्मा, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं आती, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज के लिए जो आपने करने हैं माइकोप्लाज्मा के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर भी हम माइकोप्लाज्मा की क्वेश्चन भी करेंगे, आपको नीट में एक क्वेश्चन लग कई बार माइकोप्लाज्मा पे मिल जाता है, तो आपने माइकोप्लाज्मा वाला जो टॉपिक है अच्छे से करना है, और जितने क्वेश्चन आज करवाए हैं इनको और अच्छे से आपने स्टडी करना है। और चैनल को मैं एक बार फिर आपको बोलूं, चैनल को जितना ज्यादा हो सके आपके जितने कॉन्टेक्ट हैं सभी को शेयर एक बार जरूर करें, ताकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या जितने ज्यादा व्यूज बढ़ते हैं तो उतनी एनर्जी हमारे को मिलेगी और हम और अच्छे से टॉपिक को आपको लेके आएंगे। थैंक यू।